हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको आज लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे UPSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ए, रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका में वितरित होने वाली अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है सी, गोल्गी ऑपरेटर्स। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ए, प्लाज्मा झिल्ली। चौथा क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतःग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है डी, एंडोसाइटोसिस। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, ए, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। छठवां क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्ध पराग झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। इसका राइट आंसर है बी, ऑस्मोसिस। सातवां क्वेश्चन, एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बॉन्डिंग के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर है बी, आठवां क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें पुटिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थ को आसपास के माध्यम में डाल देती है। इसका राइट आंसर ए। नौवां क्वेश्चन, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं? इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य। दसवां क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं? इसका राइट आंसर है ए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती है। धन्यवाद।